भोपाल की जहां पर बीजेपी दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। रायसेन से कांग्रेस के 200 कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में सभी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और इसी कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया है। रायसेन जिला प्रशासन ने भोपाल आने के लिए अनुमति दी थी। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी के नेतृत्व में भोपाल पहुंचे थे ये सभी कार्यकर्ता। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील लोगों से कर रही है, करवा भी रही है पुलिस प्रशासन, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तो अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा का। आकर्ष, जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे देश में, सरकार अपील कर रही है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां ही ऐसा करेंगी तो लोगों से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? सुमित, साफ तौर पर आज जो मैंने नज़ारा वहाँ पर देखा, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। रायसेन से 200 कार्यकर्ता, पूर्व के कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सभी ने सदस्यता भी बीजेपी के लिए, लेकिन जब वो बाहर बीजेपी कार्यालय के बाहर निकले तो तमाम लोग भीड़ में इकट्ठा, पास पास लोग निकले हुए थे। ऐसे में कई लोगों के मास्क भी नीचे थे, तो कहीं ना कहीं सुमित साफ तौर पर बीजेपी कार्यालय में जहाँ पर इतने बड़े नेता मौजूद थे, जनप्रतिनिधि थे, जो लोगों को सिखाते हैं कि जनता के बीच में जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जिस तरीके कोरोना लॉकडाउन चल रहे हैं, ऐसे में यदि जनप्रतिनिधि इस तरीके की गलतियां करेंगे तो पब्लिक, जो जनता है, वो कैसे इससे अछूती रह जाएगी। पिछली बात की जाए तो भोपाल का ही एक नज़ारा है, जहाँ पर एक शादी समारोह के चलते 35 लोग पॉजिटिव हो गए थे। ऐसे में रायसेन से यदि 200 लोग यहाँ पर आते हैं, यदि एक कोरोना पेशेंट भी उनमें रहता है, तो इस तरीके से वो चेन बड़ी बन सकती है, कोरोना जो हॉटस्पॉट है और कोरोना से कई लोग संक्रमित हो सकते हैं। जिस तरीके का नजारा देखा गया, उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई गई। इसको लेकर प्रॉपर तरीके से मीडिया ने भी प्रभुराम चौधरी से सवाल किया कि सर, आपका काफिला पहुंचा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने जवाब यही दिया जो जनप्रतिनिधि देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, लेकिन नजारा उसके उलट था। सभी कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। उनका कहना था एक वाहन से 3 लोग गए, करीब 65 वाहन से 2-3 लोग। हमारे साथ हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे इस पर। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी और कांग्रेस से सैयद जाफर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं बसल न्यूज़ पर। लगता हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। आकर्ष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकर्ष का मैं रुख करना चाहूंगा। आकर्ष, हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं राजधानी भोपाल में, जब लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं आम जनता पर, लेकिन अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, बड़ा सवाल उठता है। साफ तौर पर सुमित, मैं बता दूं कि बीजेपी दफ्तर है, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, उन्हीं की पार्टी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ पर बाहर तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, लेकिन अंदर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं था। जिस तरीके कार्यालय के परिसर में इस तरीके की भीड़ इकट्ठा होना, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को पहले से ही और जो नेता है उनको पहले से ही इस चीज़ के बारे में बता के रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। 50 से 60 दिन हो गए हैं, पूरा देश लॉकडाउन है, सबको पता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि कोरोना ऐसे में फैल सकता है। लेकिन जो नज़ारा बीजेपी कार्यालय देखा है, जो आप समय देख रहे हैं वीडियो फुटेज में भी, कि जब प्रभुराम चौधरी बीजेपी कार्यालय से निकल रहे थे, ऐसे में उनके वाहन के पास 15 से 20 कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा था। गौर से देखा जाए तो कुछ जो लोग हैं जो उनसे बात कर रहे थे, उनका मास्क भी नीचे पहुंच चुका था, जो कपड़े का गमछा वो लपेटे हुए थे वो भी नीचे था, मतलब कि प्रॉपर तरीके से वो मास्क भी नहीं पहने थे। ऐसे में ये इस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने पर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भी और उनके द्वारा जनप्रतिनिधि तुम्हें साफ तौर पर एक कारण यह है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाते हैं, बड़ी तादाद में लोगों से मिलते हैं, यही जनप्रतिनिधि अभी कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं। साफ तौर पर जब लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे में कई लोगों के संपर्क में आ गया, यदि ये संक्रमित हो जाते हैं। आकर चाहूंगा आपको, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जाफर साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी जाफर साहब, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, शायद आप भी देख रहे होंगे जिस तरीके से बीजेपी दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। बिल्कुल, सरकार पालन करने को कहती है आम जनता से, लेकिन क्या कहेंगे सर आप, जब राजनीतिक पार्टियां ऐसा करेंगी तो जनता से क्या उम्मीद रखी जाएगी?
देखिए ये वो सरकार है, ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी सरकार कोरोना के बीच में ही बनाई और इन्होंने कोरोना को नंदाज करते हुए ही तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और कई ऐसे मंत्री और विधायकों को बेंगलोर लेके गए। तो जिनकी पैदाइश इस प्रकार से हुई होगी तो वो जरूर इस प्रकार का ही कृत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मध्य प्रदेश के दो बड़े स्पॉट ऐसे हैं जहां पर तेजी से कोरोना फैल रहा है, पहला इंदौर, दूसरा भोपाल। पूरी तरीके से लॉकडाउन है, लोग आम जनता को आप निकलने नहीं दे रहे हो। आम भोपाल के कई ऐसे प्रदेश के कई ऐसे छात्र हैं जो भोपाल में फंसे हुए हैं, कई भोपाल के लोग हैं जो अन्य जिलों में फंसे हुए जिनको आप परमिशन नहीं दे रहे हो। 10-10 दिन 20-20 दिन से परमिशन लगी हुई है, हजारों की संख्या में परमिशन लगी है भोपाल जाने के लिए, आप उन्हें परमिशन नहीं दे रहे हो। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपना राजनीतिक एजेंडा सिद्ध करने के लिए आप उनको भोपाल में लेके आ रहे हो, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो परमिशन दी जाती है, लेकिन राजनीतिक एजेंडा को तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो कथनी करनी है वो उजागर लगातार हो रही है। पहली बार ऐसी घटना नहीं घट रही है और भोपाल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में दूसरे जिले के 200 कार्यकर्ताओं को लेकर आना साफ दर्शाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में इकट्ठे होना, ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने सत्ता में पूरी तरीके से मस्त। जी जाफर साहब, आपके सियासी मित्र आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज़ पर। आशीष जी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से कोशिश करेंगे आशीष जी से संपर्क करने की। जाफर साहब हमारे साथ बने हुए हैं क्या? जी बताएं। जाफर जी, अगर किसी आम आदमी ने ऐसा किया होता, शादी समारोह में ऐसी भीड़ दिख जाती तो आम जनता भी और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी कहती हैं कि उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब बीजेपी दफ्तर में ऐसा हमें देखने को मिला है, इस पर कौन कार्रवाई करेगा? सर विपक्ष की भी भूमिका बनती है, आप कुछ करेंगे इस पर? विपक्ष की तरफ से क्या होगा? विपक्ष तो लगातार अपनी बात रख रहा है। जब 20 मार्च के पहले मार्च के महीने में बेंगलोर में सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हुआ, तब से लेकर आज तक ऐसे कई मामले हैं जो सरकार कटघरे में खड़ी हुई है, चाहे मजदूरों के मामलों को लेकर हम देखते हैं लगातार सड़कों पर मजदूर घूमते रहे, इनके प्रदेश अध्यक्ष मजदूरों को चप्पल बांट रहे हैं लेकिन उन्हें खाना नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ट्रांसपोर्टिंग का संसाधन नहीं उपलब्ध कराए। कुल मिलाकर ये पहली घटना नहीं है और ये जाफर साहब मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष जी हमारे साथ बन गए हैं, आशीष जी स्वागत करता हूँ आपका। जी आशीष जी, प्रधानमंत्री मोदी जनता के सामने कई बार आ चुके हैं, कह भी चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है, लेकिन अब बीजेपी दफ्तर में ही ऐसे नज़ारे ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं, जो इतनी भीड़ देखने को मिल रही है, सर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसा करेंगी तो आम जनता से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं हम? देखिए दो विषय, सबसे पहले तो बीजेपी कार्यालय की जितनी भी आपको तस्वीरें दिख रही हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन है, तो इसलिए सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी सर हमें नजर नहीं आ रहा सर, जैसे हम वीडियो अभी देख रहे हैं मुझे भी दिख रही है, मुझे नहीं मालूम आप किस तरह से उसको देख रहे हैं। आपको अगर उस हॉल की अगर पिक्चर दिख रही हो तो उसमें तीन तीन चार चार सीट दूर छोड़ के सर हॉल से निकलती हुई तस्वीर हम देख रहे हैं सर, एक साथ भीड़ में नजर, ठीक है, तो इसलिए पूरा ये इस बात का ध्यान किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। सैयद जाफर मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ, परंतु कम से कम संकट के दौर में तो राजनीति करना छोड़े। इनकी सरकारों ने क्या किया पहले ये बात कर ले, ऐसा तो नहीं है कि भारत में सुनिए ना, अरे सुनिए मैंने आपके क्रम पे नहीं रोका ना जाफर साहब, जाफर साहब मैंने आपके क्रम पे नहीं रोका ना, जी जाफर साहब मौका दूंगा आपको बोलने का, जाफर साहब मौका दूंगा सर सुन तो लीजिए आशीष जी, इनकी सरकार की असलियत तो कुछ इसी तरह से खिल गई कि जो राजस्थान 1000 बसें भेज रही थी वो 35 लाख का डीजल का पैसा वसूल के बैठी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार से लाने के लिए। विषय नहीं है बसों का सर, हम ये बात कर रहे हैं जो बीजेपी दफ्तर में जो भीड़ दिखी है सर, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं सर। आशीष जी के संदर्भ में बात हो रही है, अगर मुझे मेरी बात ही नहीं रखने का मौका दिया जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा? जाफर साहब आप इस विषय पे जी आशीष जी, अगर मुझे मेरी बात रखने का मौका ही नहीं मिला जाएगा तो ठीक है आप जाफर साहब को फोन करेंगे मैं चला जाता हूँ। जी जाफर साहब सुन लेते हैं आशीष जी को क्या कर, लेकिन आशीष जी मैं जो थोड़ी आप अपने क्रम पे बोलिए, मुझे राजस्थान में डिबेट थोड़ी हो रहा है। अरे जाफर जी दो मिनट सुन लेते हैं आशीष जी को, लेकिन आशीष जी आप मैं चाहूंगा आप इसी पे बोलिए ना सर, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई है बीजेपी दफ्तर में, ये भोपाल जो लोग आए उस पे बात कीजिए जी। देखिए
सबसे पहले आप ये तय कर लें, अगर जाफर साहब ही अगर एंकर बनेंगे तो आपकी जरूरत ही नहीं है सर, ये बोलते रहे। जाफर साहब दो मिनट रुक जाइए, आपको भी सुन लेंगे, उनको भी सुन लेंगे, उनको बोलने दीजिए। जाफर साहब इटली की बर्बादी और भारत की कोरोना पे जो सफलता है उससे कांग्रेस बौखला गई है और अराजकता फैलाना चाह रही है। राजस्थान 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 की बात करना इतनी आवश्यक है, उससे आपका चरित्र पता चलता है, मुख्यमंत्री के उपस्थिति आशीष जी आप भी शायद मुद्दे से भटक रहे हैं सर। हमने हम यहाँ पे बात सोशल डिस्टेंसिंग की कर रहे हैं जो बीजेपी दफ्तर में नहीं दिखी है सर। आशीष जी उसकी बात हो रही है सर अभी। और देखिए इनके पास जवाब नहीं है, सबसे पहले जब तक सैयद जाकर लगातार बोलते रहेंगे जाफर साहब बात नहीं रखने देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए कि आप सबको अपने क्रम से बोलने हैं, उस विषय में बात होनी चाहिए। जाफर साहब आप दो मुझे क्या बोलना है, दो मिनट जाफर साहब सुन लीजिए आशीष जी को, आपके आपको भी मौका दूंगा मैं, ऐसे में चर्चा हो नहीं पाएगी। जाफर साहब नहीं करेंगे, नहीं क्यों करेंगे भाई, मैं कह रहा हूँ आप आयशन के विषय पे आओ ना, आप उससे बात करो, कांग्रेस ने क्या कर दिया। तथ्यात्मक रूप से सैयद जी बात कीजिए, देखिए दूसरे राज्यों का, देखिए दूसरे राज्यों का उदाहरण देना इसलिए आवश्यक होता है। आशीष जी जाफर जी चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी सर, दूसरे राज्यों का उदाहरण देना इसलिए जरूरी होता है, इससे कांग्रेस का गिरगिट रूपी चरित्र शामिल होता है, साफ होता है। एक तरफ से ये कहते हैं कि श्रमिकों का ये किराया देंगे, बोले भाले लगता है आप दोनों ही मुद्दे से भटक रहे हैं साहब। हमने आपको फोन लगाया, हमने चर्चा के लिए फोन लगाया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई है बीजेपी दफ्तर में, उसके लिए चर्चा के लिए फोन लगाया था, लेकिन साहब आप राजस्थान की बात कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं हो सकता। आशीष जी आपका बहुत शुक्रिया, जाफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर देख रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी दफ्तर से बाहर निकलते हुए यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, कम से कम 200 कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे और एक साथ वो निकले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल वहां पर नहीं देखी जा सकती है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पास पास ये कार्यकर्ता मौजूद नजर आ रहे हैं।